गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनय गुप्ता। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द स्टोरी टू यू ऑल, विच इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड आई होप दैट यू ऑल विल इंजॉय रीडिंग इट आउट विद मी। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द हेयर एंड द टर्टाइस। अब मैं स्टोरी शुरू कर रहा हूँ। तो वंस अपॉन अ टाइम अ हेयर एंड अ टर्टाइस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक समय की बात है कि एक खरगोश और एक कछुआ जंगल में रहते थे। द हेयर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज फास्ट स्पीड। जो खरगोश था उसे अपनी रफ्तार पर यानी अपनी दौड़ पर कि वह बड़ा तेज दौड़ सकता है, उस पर उसे क्या था, अभिमान था, घमंड था, प्राउड यानी अभिमान। ही थॉट हिमसेल्फ टू बी द फास्टेस्ट रनिंग क्रिएचर ऑफ द फॉरेस्ट। वह मन ही मन सोचता था, अपने आप में सोचता था कि जंगल में उससे ज़्यादा तेज दौड़ने वाला कोई भी दूसरा जीव या जानवर नहीं है। ही ऑफन मेड फन ऑफ द टर्टाइस फॉर हिज स्लो स्पीड। तो वह अक्सर क्या करता था, कछुए का मजाक लेता रहता था उसकी स्लो स्पीड के कारण, क्योंकि कछुआ बड़ा धीरे धीरे चलता है, इसलिए खरगोश उसका मजाक लेता रहता था। वन डे द हेयर चैलेंज द टर्टाइस। तो एक दिन खरगोश ने क्या किया, कछुए को चैलेंज किया, उसे ललकारा, टू रन अ रेस, कि वो उसके साथ क्या करे, दौड़ लगाए। द टर्टाइस एक्सेप्टेड द चैलेंज। तो कछुए ने उस चैलेंज को स्वीकार कर लिया। दे चूज अ डिस्टेंट ट्री एज द विनिंग पोस्ट। तो उन्होंने दूर एक पेड़ था उसको ही विनिंग पोस्ट रखा, यानी जो पहले वहाँ पहुँचेगा वही जीतेगा। दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट द क्रो वुड वर्क एज अ रेफरी। साथ में उन्होंने ये भी फैसला किया कि जो कौआ होगा वो रेफरी के तौर पर काम करेगा, यानी रेफरी हो गया जो फैसला करेगा कि कौन जीता कौन हारा, रेफरी यानी निर्णय करता, फैसला करने वाला। सेकंड पैराग्राफ है, द रेस बिगेन। दौड़ शुरू हुई। द हेयर रैन फास्ट एंड कवर्ड 3/4 ऑफ द डिस्टेंस इन नो टाइम। खरगोश बहुत तेज दौड़ा और उसने 75% 3/4 यानी 75% डिस्टेंस जो है वो चुटकी में ही बड़ी जल्दी उसने कवर कर दिया, यानी 4 में से 3 हिस्से। ही सा अ शेडी ट्री एंड डिसाइडेड टू टेक रेस्ट फॉर अ वाइल डियर। उसने एक छायादार पेड़ देखा और उसने फैसला किया कि वो थोड़ी देर वहाँ आराम करेगा। एट दैट टाइम ही वॉज थिंकिंग दैट ही वुड कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इन नो टाइम। तो उस समय वह ये सोच रहा था कि वो कुछ जो डिस्टेंस बच गया है वो भी जल्दी ही वो कवर कर लेगा। एंड सडनली ही फेल एस्लीप, और एकाएक यानी जल्दी ही उसे नींद आ गई। द टर्टाइस वॉज वॉकिंग स्लोली एट हिज कॉन्स्टेंट स्पीड। जो कछुआ था वो अपनी धीमी चाल से लगातार चलता रहा, जो उसकी कांस्टेंट स्पीड यानी स्थिर स्पीड थी, एक ही स्पीड थी। ऑन द वे ही सा द हेयर स्लीपिंग। रास्ते में उसने क्या देखा कि जो खरगोश है वो सो रहा है। बट ही डिड नॉट स्टॉप देयर, लेकिन वह वहाँ रुका नहीं। एंड ओवरटूक हिम, और उसने उसे पीछे छोड़ दिया, यानी वो आगे निकल गया। सून द टर्टाइस रीच द विनिंग पोस्ट, और जल्दी ही कछुआ जो है वो विनिंग पोस्ट पे पहुंच गया, यानी जहां तक उन्होंने दौड़ लगानी थी, जहां पे पहुंचना था वहां पहुंच गया। व्हेन द हेयर वोक अप, जैसे ही खरगोश जागा या खरगोश की नींद खुली, ही रैन फास्ट टू रीच द विनिंग पोस्ट। वह तेज दौड़ा कहां, विनिंग पोस्ट की तरफ, यानी विनिंग पोस्ट में पहुंचने के लिए वो तेज भागा। अर्लियर देन द टर्टाइस, ताकि वो कछुए से जल्दी पहुंच सके। बट वेन ही रीच द डेस्टिनेशन, लेकिन जब वो डेस्टिनेशन यानी विनिंग पोस्ट पे वो पहुंचा,
ही वॉज अशेम्ड टू सी दैट द टर्टाइस हैड ऑलरेडी रीच्ड देयर। तो उस वो बड़ा लज्जित हुआ, उसने आप में मतलब लज्जित महसूस किया कि जो कछुआ था वो ऑलरेडी पहले ही वहाँ पहुँच चुका था, एंड हैड वन द रेस, और वो रेस भी जीत चुका था। इसलिए जो खरगोश था वह अपने आप में बड़ा ही लज्जित हुआ, उसने अपने आप में शेम महसूस की। अब मॉरल है स्टोरी के, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी आप धीरे धीरे लेकिन कंटिन्यूस यानी नियमित रूप से जो काम करते रहोगे, कोई भी किसी भी काम में लगे हो तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी, यानी वो रेस आप जीतोगे ही जीतोगे। यहाँ आप लिख सकते हो दूसरा मॉरल, कंटिन्यूस हार्ड वर्क श्योरली लीड्स टू सक्सेस। अगर आप लगातार सख्त मेहनत करती हो, कंटिन्यूस उस मेहनत को कंटिन्यू करते रहते हो, तो आपको कामयाबी मिलती ही मिलती है। तो पक्का है कि आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट।